क्या प्रभाव रहेंगे, क्या रिजल्ट रहेंगे, कितना रहेगा नहीं रहेगा, उस पर निर्भर है। लेकिन आज की तारीख में हम ये मान के चल रहे हैं कि अप्रैल के बाद में हम लोग कभी भी बोर्ड की एग्जाम्स करा सकते हैं। तो 24 अप्रैल हमारी या 25 अप्रैल डेट है, उसके बाद में कभी भी हम लोग एग्जाम करा सकते हैं 15 मई के अंदर अंदर। और 1 से लेकर के जो 8 तक के स्कूलें हैं उसके बारे में हम ये 15 दिन इसका देखते हैं कोरोना का, और जो स्कूलें खुली हैं उसका फिर मैनेजमेंट देखते हैं कैसे बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग से कैसे कैसे बिठा सकते हैं। तो इस चीज़ पे भी हम लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं, उस समय आने पर उचित निर्णय लेंगे। लेकिन बच्चों की पढ़ाई राजस्थान सरकार बाधित नहीं होने देगी, ये संकल्प हमारा और मुख्यमंत्री जी का है, उस दिशा में हम लोग काम करें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी किसान के साथ में खड़ी है, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। राहुल गांधी जी पहले दिन से, चाहे वो NDA 1 हो चाहे NDA 2 हो, जब भी किसान के तकलीफ की बात आई है उसके साथ खड़े रहे, चाहे भूमि अधिग्रहण कानून हो चाहे आज ये किसानों के तीनों काले कानूनों की बात को लेकर के। राहुल गांधी जी का कब कहाँ क्या प्रोग्राम बनता है वो उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन राहुल गांधी जी 1 सेकंड भी चुप नहीं बैठ रहे हैं, किसानों की मदद कर रहे हैं, बराबर किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आह्वान कर रहे हैं कि जब तक शरीर में खून की एक बूंद भी है, एक कतरा सांस भी है, तब तक हम लोग किसान के साथ खड़े रहे, उनकी मदद करें। राष्ट्रीय अधिवेशन जी को तय करना है, लेकिन राहुल गांधी जी अध्यक्ष बनने चाहिए, ये हम सब करोड़ों करोड़ों कांग्रेस के देश के कार्यकर्ताओं की भावना है। थैंक यू। उनकी दिक्कत आती है तो मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि उस दिक्कत का समाधान हम लोग कर देंगे। आप समझ सकते हो कि मुख्यमंत्री जी पूरी बात से अवगत है, और अगर किसी को भी कोई दिक्कत आएगी तो वो उनको सोल्व कर देंगे।